गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। जिन लोगों में अहंकार है और जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब अच्छा ही हो, तो आपको अपने गुस्से और अहंकार को सबसे पहले खत्म करना होगा, तभी आप अपना भला कर पाएंगे, वरना आपका अहंकार और आपका गुस्सा आपको ले डूबेगा। चलिए इसी विचार के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल, जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 26 मई 2024 कृष्ण पक्ष की तृतीया है, रविवार का दिन है। नक्षत्रों की बात करें तो आज मूल का योग है, वहीं चंद्रमा आज धनु राशि में संचार करेंगे। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है। अगर आज आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जान ले। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि राहु काल के समय आप कोई शुभ काम करने से बचें। आज राहु काल 5:28 से लेकर शाम 7:12 तक रहेगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आशावादी बने और उजले पक्ष को ही देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगा। बेवजह धन खर्च करना आज आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक सेहत बिगड़ सकती है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आज पूरी लगन से काम करेंगे तभी अच्छा फल मिलेगा। युवाओं के लिए आज भाग्य उदय होने का दिन है, मगर आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लेते रहें। भावनात्मक उथल पुथल आपको परेशान कर सकती है। आज स्वास्थ्य की बात करें तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा नासाज रह सकता है, इसलिए एहतियात बरतें। वृषभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज दफ्तर में काम बढ़ सकता है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको दफ्तर का काम अपने घर पर भी ले जाना पड़े। व्यापारियों की बात करें तो आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। धन संपदा में वृद्धि के योग हैं, लेकिन माता पिता को अनदेखा करना आपके भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर सकता है, इसलिए माता पिता का आशीर्वाद लें, उन्हें नजरअंदाज ना करें। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो बोते हैं वही पाते हैं। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आज आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। अगर सुबह आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो शाम को टहलने तो जरूर जाएं। मिथुन राशि के लोगों की बात की जाए तो आज आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं। मशीनरी का काम करने वाले व्यापारियों की आज अच्छी कमाई हो सकती है। युवा वर्ग को मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से टारगेट को अचीव करना आसान हो जाएगा। आपके लिए आज दिन बेहतर रहने वाला है। परिवार के लिए अगर किसी वाहन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है, यानी कि आप वाहन खरीद सकते हैं। कर्क राशि के लोगों की बात की जाए तो इस राशि के लोगों को सहकर्मियों से चुनौतियां मिलेंगी, जिन्हें अपनी सूझबूझ से ही हल करना पड़ेगा। मेहनत से पीछे ना हटें, किसी भी तरह के द्वंद या विरोध से बचें, क्योंकि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। समय की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। व्यापारी वर्ग अपने प्रतिस्पर्धियों से विशेष सावधान रहे, क्योंकि हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो। आज आपको कमर और पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का भी आज आप ख्याल रखें। सिंह राशि के लोगों की बात की जाए तो आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे हालात से बचें जो आपको चोट पहुंचा सकते हों। जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था, आज उन्हें नुकसान होने की संभावना है। सट्टेबाजी से दूर रहने की आपको आज हम सलाह देते हैं।
व्यापारी वर्ग सभी ग्राहकों से संबंध बनाकर रखें, किंतु जो बड़े आपके क्लाइंट्स हैं, आज अगर आप उन पर विशेष ध्यान देते हैं तो आपके व्यापार के लिए अच्छा होगा। अगर युवा हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं तो आज आपकी वो तलाश भी खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। आज आपके लिए कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मिला जुला सा दिन रहने वाला है। कन्या राशि के लोगों की बात की जाए तो इस राशि के लोग ऑफिस के कामों तक ही अपनी दुनिया में सीमित ना रहें, बल्कि सामाजिक दायरा भी बढ़ाने का प्रयास करें। फार्मिंग से जुड़ा हुआ काम करने वाले लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। इन दिनों अच्छी कमाई हो सकती है, रुका हुआ धन मिलने के भी योग हैं और आर्थिक हालात में भी सुधार होगा। आज आप अपने प्रिय से कुछ भी तलख कहने से बचे, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको ही पछताना पड़ सकता है। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलता रहेगा। तुला राशि के लोगों की बात की जाए तो आज सेहत के नजरिए से ये वक्त थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, इसलिए आप जो खाएं उसके प्रति सावधान रहें। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की भी संभावना है। तुला राशि के लोग प्रतिभा का प्रदर्शन कर यश की प्राप्ति आज कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी उच्च अधिकारियों से प्रशंसा आपको आज मिल सकती है, मगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिंदगी आपके अनुसार तभी चल सकती है जब आप सही विचार और सही लोगों की संगति में रहे। इसलिए आज जरूर इस बात पर गौर करें कि जो लोग आपके आसपास हैं, क्या वो आपके लिए सही हैं या फिर नहीं। वृश्चिक राशि के लोगों की बात की जाए तो आज व्यापारी वर्ग ग्राहकों की रुचि का भी ध्यान रखें तो बेहतर होगा। वो जिस तरह के सामान को अधिक पसंद करते हैं उसका स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखें, ताकि ग्राहकों को वापस लौटना ना पड़े, क्योंकि ग्राहक वापस लौटे तो कहीं ना कहीं आपका कारोबार ठप हो सकता है। दांतों में कैविटी या अन्य किसी तरह की समस्या आज इस राशि के जातकों को हो सकती है, बिना किसी देरी के डेंटिस्ट से संपर्क कर लें तो बेहतर है। सबकी मदद करने की आपकी इच्छा आपको आज बुरी तरह थका भी सकती है। आप पैसा तो बना सकते हैं, मगर आप अपनी जमा पूंजी अगर पारंपरिक तौर पर निवेश करते हैं तभी आर्थिक तौर पर लाभ होगा, इसलिए निवेश करते वक्त सावधान रहें। धनु राशि के लोगों की बात की जाए तो सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, यानी कि अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए। आपके घर से जुड़ा निवेश आज फायदेमंद रहेगा। हालांकि आज आपको अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणामों को लेकर भी तैयार रहना है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक रूप में भी। अपने जीवन साथी के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना उनकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। व्यापार में वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के लिए निवेश करने की जरूरत है, और अगर आपको निवेश करना है, आपके पास धन नहीं है, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज आपको बैंक अधिकारियों का भी इसमें सहयोग मिलेगा। युवाओं की बात करें तो अगर कोई उधार मांगने आए तो बचना चाहिए, क्योंकि दी हुई रकम आज फंस सकती है। मकर राशि के लोगों की बात की जाए तो इस राशि के लोगों का मन कार्यस्थल पर आज उचाट रहेगा, इसलिए लंच टाइम में आप अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ी सी गपशप कर लें, हंसी मजाक कर लें तो मन हल्का हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का आज फोकस पढ़ाई पर ही रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बस आपको इतना ख्याल रखना है कि निराशावादी रवैये से आप बच कर रहिए, नहीं तो फिर आपका काम खराब हो सकता है। यह आपकी संभावनाओं को ना केवल कम करेगा बल्कि शरीर के आंतरिक संतुलन को भी बिगाड़ देगा। नए करार आज आपके लिए फायदेमंद दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वो आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। आज निवेश करते वक्त बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में फैसला ना लें, सोच विचार लें और उसके बाद ही निवेश करें। कुंभ राशि के लोगों की बात की जाए तो आज रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं उन्हें अपनी बात समझाने में आप खासी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। अगर आज आपके पास समय है तो उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिल लें जो काम आप शुरू करने वाले हैं। कुंभ राशि वाले प्रोफेशनली पूरी मेहनत से काम करें।
मतलब यानी कि गलती की गुंजाइश आप ना छोड़े, नहीं तो बॉस के सामने आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो सीजनल बुखार आपको हो सकता है, गर्मी का दिन है, लू लग सकती है, इसलिए सावधान रहें। मीन राशि के लोगों की बात करें तो ग्रहों के अनुसार इस राशि के जो लोग संस्थान में ऊंचे पदों पर आसीन हैं, वो अपनों से छोटे लोगों के साथ रूखा व्यवहार करने से बचें और अच्छा काम करने वालों की प्रशंसा करें। सरकारी विभागों में अगर व्यापारियों का कोई काम फंसा हुआ है तो आज अधिकारियों से मिले, उनके सहयोग से आपका काम बन सकता है। युवाओं को प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे। ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले हालांकि आज दो बार जरूर सोच लें जो आज आपके सामने आई हो, क्योंकि निवेश में कहीं ना कहीं चूक बड़ी गलती का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए आज हम आपको यही सलाह देंगे कि आप किसी पार्क या फिर जिम में जा सकते हैं। तो ये था आज का राशिफल। इसी के साथ कामना करते हैं कि आपका आज का दिन भी मंगलमय होगा। नमस्कार।